Hey guys, this is Himanshu and you're watching Sustainable Everyday. Welcome to a new vlog guys. और guys आज का जो vlog है वो अभी recent की कुछ ऐसी situation चल रही है जिसके कारण मुझे बनाना पड़ रहा है. बहुत सारे लोगों का message आ गया कि सर आंधी तूफान आ रहा है इस COVID-19 situation में, और क्या हो रहा है कि हम domestic installer हैं या हमारा मेरा solar खुद का private solar power plant है और वो तेज़ हवाओं से उखड़ के छत से road पे आ गया है, तो उसकी क्या वजह है, मुझसे क्या गलती हो गई. तो यही सारे पॉइंट्स आज गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, विच इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ सोलर पावर प्लांट. क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको जज करनी पड़ती है बिफोर इंस्टॉलेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्टॉलेशन, आफ्टर इंस्टॉलेशन, सोलर स्ट्रक्चर के बारे में वो आज इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. दोस्तों अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको बता दूं जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं टेक्निकल पैरामीटर जज करते टाइम, वो क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपनी R&D कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारा जो घर है उसका जो लैटिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सोलर पैनल को 30 डिग्री पर लगाना है या 24 डिग्री पर लगाना है या 35 डिग्री पर लगाना है, जो भी उनका लैटिट्यूड है इंडिया में उसके अकॉर्डिंग वो सोलर पैनल को इस स्लोपी एंगल में लगा लेते हैं. ये भी आपने देखा होगा कि सोलर पैनल ऐसे एक पर्टिकुलर टिल्ट एंगल पर लगा रहता है. लेकिन ये इंस्टॉल करने के बाद आप एक बहुत बड़ी चीज़ ऑब्जर्व करना भूल जाते हो कि ये जो आपका सोलर पैनल आपने एक पर्टिकुलर एंगल पे अपने रूफटॉप पे जो लगा रखा है, इट बिकम्स एन एरोप्लेन का विंग. ठीक है, आपने एरोप्लेन के विंग का कॉन्सेप्ट अगर एरोडायनेमिक चेंबर में जब आपके विंग को टेस्ट किया जाता है तो आप देखोगे कि जस्ट इन केस ये आपका सोलर मॉड्यूल है, ये पर्टिकुलर एंगल पे लगा हुआ है, तो इसके पीछे से जब हवा आएगी ना तो इस स्ट्रक्चर को एक अपथ्रस्ट मिलता है जिसको बोलते हैं गैलोपिंग इफेक्ट. ठीक है, तो होगा क्या कि जब आपको ये अपथ्रस्ट यहाँ से मिलता है और आपके स्ट्रक्चर की फाउंडेशन वीक होती है और उसका स्टैट प्रो एनालिसिस नहीं किया गया होता है, उसका विंड लोड टेस्टिंग नहीं किया गया होता है, तो होगा क्या कि अल्टीमेटली आपका विंड लोड जब एक सर्टेन प्रेशर को ब्रीच करेगा तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये ओवरटर्न होके छत से आपकी रूफटॉप से नीचे आ जाएगा आपके ग्राउंड पे. अभी स्ट्रक्चर यार इतना भारी होता है, मॉड्यूल का भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का अपने एक वेट होता है. कितना होता है एक मिनट में देख लूँ, काफ़ी होता है ये वेट पर मॉड्यूल. अगर आपने कभी मॉड्यूल उठाया होगा तो आई गेस इट इज़ मोर देन 20 to 25 kgs के जो नए मॉड्यूल्स हैं विथ एलुमिनियम फ्रेम वाले की मैं बात कर रहा हूँ, और प्लस आप उसमें स्ट्रक्चर का वेट आप अगर ऐड कर दोगे तो इट इज़ क्वाइट सफिशियंट कि अगर वो किसी चीज़ के ऊपर गिरेगा, वेदर इट इज़ अ व्हीकल, वेदर इट इज़ अ यू नो सम काइंड ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, तो उसको काफ़ी सीवियरली तरीके से डैमेज कर सकता है. तो ये जो मैंने आपको एनालिसिस बताई कि एक सर्टेन एंगल पे आपका जो मॉड्यूल हम प्लेस करते हैं, तो इसके इंस्टॉलेशन से पहले यूटिलिटी स्केल सोलर में क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन टीम होती है. जस्ट इन केस मेरे कंपनी में देर इज़ अ सेपरेट कंप्लीट डिपार्टमेंट फॉर मैकेनिकल स्ट्रेस एनालिसिस. ठीक है, ये टीम क्या होती है, इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ द सोलर पावर प्लांट्स, ये स्ट्रक्चर के एनालिसिस पे काम करती है. मींस कि अगर हमको किसी सर्टेन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में मॉड्यूल लगाना है तो उस पर्टिकुलर रीजन का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उसमें जो विंड का स्पीड होता है उसका वो लोग एनालिसिस करते हैं कि हम किस सर्टेन हाइट तक मॉड्यूल को लगाएं कि हमें एफिशिएंसी भी मिले, साथ ही साथ वहाँ के जो विंड पैरामीटर्स हैं उसके विंड लोड को वो बियर कर सके. तो उसको टेस्ट करने के लिए गाइस जो मार्केट में सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम होता है स्टैड प्रो. अब ये स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेस का एनालिसिस करता है कि जस्ट इन केस आप किसी सर्टेन डिज़ाइन या एस्पेक्ट में आप अपने मॉड्यूल स्ट्रक्चर को लगा रहे हो, सो वेदर इट इज़ केपेबल इनफ टू टेक दैट लोड एट अ सर्टेन पॉइंट और नॉट. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप मैकेनिकल स्ट्रेस विंड लोड को भी कैलिब्रेट कर सकते हो कि ठीक है मैंने अपने स्ट्रक्चर में मॉड्यूल को ऐसा लगा दिया है, ये मेरा मॉड्यूल है, ये एक पिलर यहाँ, एक पिलर यहाँ, एक पिलर सेंटर में है, तो जितने भी मैंने मॉड्यूल लगा रखे हैं ये उसको उसके वेट को ले लेगा, और प्लस अगर एट द सेम टाइम बहुत ख़तरनाक स्टॉर्म आता है तो उसका जो विंड लोड उस पर आता है तो उसको भी ये उस मैकेनिकल स्ट्रेस को ले पाएगा.
अब देखिए मैं क्यों मैकेनिकल स्ट्रेस को इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अरे मोटे से लोहे का लगा दो, ऊपर से नीचे तक कंक्रीट डाल के मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, दिस इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ मजाक अगर आप करोगे तो वो उल्टा आपके साथ मजाक करेगी। अब होता क्या है कि मैकेनिकल स्ट्रेस का एंड वाइब्रेशन का आपके सोलर पैनल पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। एक बात आप समझ लीजिए कि जो भी आप मॉड्यूल खरीदते हो उसके अंदर जो एक सिलिकॉन सेल होता है ना, वो अंकल चिप्स की तरह होता है। आपका जो सोलर सेल होता है एक मॉड्यूल के अंदर, वो पापड़ की तरह होता है, चिप्स की तरह, ठीक है। तो होगा क्या कि जब मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा तो आपके मॉड्यूल में, ये अगर आपका मॉड्यूल है तो उसमें कुछ ना कुछ वियर एंड टेयर आएगा। एक मिनट मैं अपने मोबाइल के कवर को हटा के आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो जस्ट इन केस ये आपका मॉड्यूल है, देखिए आपको फ्लैट दिख रहा है, तो अगर क्या होगा कि हवा चलने के टाइम आपके स्ट्रक्चर में मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा तो आपके मॉड्यूल में भी आएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे ये इसका फ्रेम ऐसा बेंड हो रहा है, गैलोपिंग इफेक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ आपके मॉड्यूल में भी हो सकती है। अब होता क्या है कि जो आपका सिलिकॉन स्ट्रेस होता है वो इस मैकेनिकल स्ट्रेस के चक्कर में बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स आ जाएंगे। और ये अगर क्रैक्स भी नहीं आ रहे होंगे तो एलुमिनियम फ्रेम में डिफॉर्मेशन आएगा, तो उसके अंदर आप मॉइस्चर इकट्ठा हो सकता है, तो फिर आपका पीआईडी लॉस हो सकता है। पीआईडी लॉस के बारे में अगर आपको वीडियो देखना होगा तो ऊपर आई बटन पे दबा के आप वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं, बहुत मस्त वीडियो है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल स्ट्रेस का आपके मॉड्यूल पे बहुत ही खतरनाक इफेक्ट पड़ता है, अगर आपके सेल में डिफॉर्मेशन आएगा तो ऑब्वियसली आपके सोलर प्लांट की जो स्ट्रिंग है उसके आउटपुट में आपको डिफॉर्मेशन दिखेगा। एक दूसरी ऑब्जर्वेशन में ये बता दूं कि जब सोलर पावर प्लांट लगता रहता है तो लोग मिस जज कर जाते हैं कि मेरे लैंड की क्वालिटी कैसी है, मतलब मेरा जियोग्राफिकल लिथोस्फियरिक टेक्नोलॉजी कैसा है, मतलब मेरी सॉइल की क्वांटिटी क्या है। तो वहाँ पे क्या होता है कि पुल आउट टेस्ट होता है, जब वहाँ पर पाइलिंग हो रही होती है स्ट्रक्चर की, पाइलिंग करते टाइम जैसे क्या होता है कि अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा। मेरे पीछे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं जो वर्टिकल चैनल लगा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल पोस्ट। और ये जो स्लोप एंगल देख रहे हैं आप, ठीक है, सी चैनल जो मॉड्यूल को स्लोप दे रहा है, इसको बोलते हैं राफ्टर, ठीक है। और दूसरा ये जो आप मेटेलिक लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली रेल जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पर्लिन। इसी पर्लिन पे आपके मॉड्यूल को फिट किया जाता है और पर्लिन को बैठाया जाता है आपके राफ्टर पे, और राफ्टर को सपोर्ट देता है वर्टिकल पोस्ट। और ये है आपकी आरसीसी की फाउंडेशन, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी फाउंडेशन है। कुछ लोग क्या कहते हैं, हल्का हल्का छोटा सा बर्थडे केक टाइप का छोटा सा बना देते हैं, और फिर होता क्या है कि जब आपके बर्थडे पे तूफान आता है, जैसा बर्थडे में होता है ना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उसी में एक बार ऐसा तूफान आता है और आपका जो पूरा बर्थडे केक का अपरेटस है ना, मतलब आपका पूरा सोलर स्ट्रक्चर, वो छत से आपके रोड पे आ जाता है। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ये सीसीटीवी फुटेज है। तो अभी मस्त एकदम बारिश और तूफान आया, तो किसी का जो एक मुझे लग रहा है 500 किलोवाट का सिस्टम है, वो ऊपर से नीचे रोड पे आ गया। तो यार बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है। मैं आपको देखिए कुछ फोटोज़ दिखा रहा हूँ, तो अगर आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर आपको टाइटनेस या स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो इट्स अ टोटल वेस्ट। सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली गाइस ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सोलर में नई नई आ रही है तो सोलर का कॉस्ट भी नीचे जा रहा है। तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में एक चीप सा स्ट्रक्चर लगा लेते हैं, और अल्टीमेटली जब तूफान आता है तो आपका एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो मेरा तो सजेशन यार यही है कि जो यूटिलिटी स्केल इंस्टॉलर हैं उनको तो मालूम है कि एनालिसिस कैसे करनी है। जो छोटे इंस्टॉलर हैं, जो छोटे स्तर पे लगा रहे हैं 10 किलोवाट 15 किलोवाट घर पे, उनको इसका बहुत बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे गिरा तो आपके नीचे जो गाड़ी खड़ी हुई है, वो हो सकता है आपकी गाड़ी ना हो, आपके नेबर की गाड़ी हो, या नीचे कोई रह रहा हो उसके ऊपर गिर जाए, तो बहुत ही बुरा इफेक्ट हो सकता है गाइस, बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, प्लस आपका तो लॉस हो ही रहा है, बहुत इलेक्ट्रिक शॉक आ सकता है, ये वो बहुत सारे, क्योंकि आपका एसी एक तरीके से डीसी से डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हो सकता है गाइस। तो ये सब टेक्निकल पैरामीटर आपको गाइस ध्यान पे रखना पड़ेगा, वेदर इट इज़ स्टैट एनालिसिस, वेदर इट इज़ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जो भी आपके वहाँ इंस्टॉलर आ रहा है उससे आप बात करो कि भाई किस पैरामीटर में तुमने हमको जीआई का स्ट्रक्चर दे दिया या एसएस का स्ट्रक्चर दे दिया, मतलब कोई भी एलुमिनियम स्ट्रक्चर लगा दिया, रेल लगा दिया। आप उससे पूछो, नेट पर सर्च करो कि जो सोलर का
स्ट्रक्चर होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो गैल्वेनाइज्ड जीआई का क्यों होता है, उसकी बॉडी अर्थिंग क्यों करनी पड़ती है, स्ट्रक्चर अर्थिंग क्यों करनी पड़ती है, उसके आरसीसी फाउंडेशन में हमें इतना क्यों टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, प्लस रूफ टॉप में हम जो आरसीसी लेइंग कर रहे हैं उसका उसका क्या डिफरेंस है, जो ग्राउंड माउंट में पाइलिंग कर रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जज करनी पड़ेगी, तभी आप अपना एक सक्सेसफुल सोलर प्लांट स्टेबल और सेफ लगा सकते हो। अगर आप ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, अपने स्ट्रक्चर का तो, अपने सोलर प्लांट का तो ले ही रहे हो, साथ ही साथ जो नीचे लोग रह रहे हैं उनके ऊपर जो प्लांट गिरेगा तो उनके लाइफ के साथ आप खेल रहे हो। क्योंकि आप समझो यार, आपने एक पर्टिकुलर ऐसे एंगल पे आप छत पे कोई चीज़ आप लगाई है, ठीक है, तो उस पर ऑब्वियस सी बात है जब हवा आती है तो होता क्या है कि वो चीज़ तो वाइब्रेट करेगी, साथ ही साथ वो चीज़ आपके रूफ टॉप से कनेक्टेड है तो आपके रूफ के बीम को भी कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन दे रही, जिसकी वजह से आपके आरसीसी स्ट्रक्चर जो आपका घर का फाउंडेशन है उसमें भी वो वाइब्रेशन जा रहा है और अब्सॉर्ब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको क्रैक दे रहा है। तो उस चीज से आपको बचना है गाइज, आपको एक ऐसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है अपने स्ट्रक्चर को कि आपके रूफटॉप पे कहीं कहीं से भी वो मैकेनिकल स्ट्रेस ना आए। इसलिए आपका छोटा भी इंस्टॉलर है तो थोड़ा सा 2-3 हज़ार खर्चा करके किसी सिविल इंस्टॉलर के पास या आप आर्किटेक्चर के पास जाके बोलो कि भाई मेरे घर पे ये स्ट्रक्चर लग रहा है तो क्या ये मैकेनिकली सक्सेसफुल रहेगा विंड लोड को लेने में, और मतलब अर्थक्वेक कंडीशन में, या मेरे जो घर का जो बीम है वो इस लोड को, स्ट्रेस को बियर कर पाएगा कि नहीं। प्लीज़ उस पर आप इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज़ जो आपका लॉस होगा वो बहुत ह्यूज होगा गाइस। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर करी, खासकर 3 लोगों ने शेयर करी कि सर हमारा जो प्लांट है उखड़ के नीचे आ गया तो क्या गलती हो गई इंस्टॉलर से। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल सस्टेनेबल एवरी डे गाइज, एंड आई मेक वीडियोज टोटली बेस्ड ऑन सस्टेनेबल एंड क्लीन यूज़ ऑफ एनर्जी, स्पेशली सोलर एनर्जी। सो इफ यू वॉन्ट टू नो समथिंग मोर एंड कूल स्टफ and technology related videos, just stick to my channel Sustainable Everyday guys, and I'll catch you guys in my next vlog. Thanks for watching the video guys.